तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो पीछे में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ वर्क इंडिया ऐप। तो वर्क इंडिया ऐप क्या है, कैसे यूज़ करें, इसके बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए वर्क इंडिया ऐप बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। इसकी मदद से आप बहुत सारी जॉबें आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वर्क इंडिया ऐप को सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको डालना है वर्क इंडिया, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन दिख रहा होगा जॉब सर्च ऐप फ्री डायरेक्ट HR कॉन्टैक्ट वर्क इंडिया। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क इंडिया ऐप दिखेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है ये ऐप। तो आपको यहाँ पर आना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दिख रही होंगी, तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको अपना यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरा नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको अपना नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है ऊपर। चलिए अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना नाम और नंबर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर का, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। सो फ्रेंड्स, नाम और नंबर डालने के बाद आपके सामने कुछ तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा माय क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डाल लेनी है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और नीचे आपको यहाँ पर अपना स्कूल का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर स्कूल का मीडियम मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको मेरी बोलने की इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो नो इंग्लिश कर देंगे, और यदि आपसे थोड़ी इंग्लिश आती है तो थोड़ा इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे, और आपको यदि अच्छी इंग्लिश आती है तो यहाँ पे गुड इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैं फ्रेशर एक्सपीरियंस, यदि आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एज का, तो आपको यहाँ पे अपनी एज डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी एज डाल देता हूँ। सो फ्रेंड, नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा आई एम इंटरेस्टेड इन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैक ऑफिस, ऑफिस बॉय, प्यून, काउंटर सेल्स, अकाउंट्स, रिसेप्शनिस्ट, डिलीवरी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, और यहाँ पे फोटोग्राफर। सो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड आपके सामने ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी अपनी हिसाब से, मर्जी से, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे इंजीनियर, और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बैक ऑफिस, और यहाँ पर टेलीकॉलिंग, और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर मैं इसको फोटोग्राफर, और यहाँ पे सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 4 फील्ड से रिलेटेड आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइटल ऑफ योर प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइटल डाल देना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर, तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बहुत सारी स्किल देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि टेस्टर पे और एंड्रॉयड वेब। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी स्किल्स यहाँ पे डाल दी है, तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बैक ऑफिस में अपनी स्किल डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टैली, टाइपिंग, कंप्यूटर, एक्सेल। तो यहाँ पर आप मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। और इसी प्रकार से टेलीकॉलिंग में मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी, इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो कुछ तरीके से आपको अपना फील्ड से रिलेटेड आपकी स्किल सेलेक्ट कर लेना है। और इसी प्रकार से यहाँ पे स्किल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और कोई स्किल आपके पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कुछ तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी स्किल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट पर क्लिक कर देते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे अपनी डिग्री सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं BA पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना ऊपर जॉब टाइटल डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना जॉब टाइटल डाल देता हूँ कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इंजीनियर डाल देता हूँ मैं। और आपको यहाँ पे सभी डेटा यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है क्लिक, और ओके कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी जॉब देखने को मिल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको अपना यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस किसी शहर में रहते हैं तो आपको वहाँ पे उस सिटी का नाम है आप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मेरी फील्ड से रिलेटेड जॉब सामने आ चुकी हैं।
तो कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल की सॉफ्टवेयर टेस्टर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर के रूप में मुझे इस तरीके से जॉब दिखाई दे रही है। तो ये मेरे मेरे एरिया में पास ही में है ये। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी जॉब सर्च कर लेना है, आप जिस किसी फील्ड से हो आपको अपनी फील्ड डाल देना है, और उसके बाद आपको अपने फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब दिख जाएंगी, तो आपको वहाँ पर इस पर अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की ये नौकरी है, तो यहाँ पर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो नीचे यहाँ पर आपको इसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा क्लिक टू कॉल HR, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोन भी लगा सकते हैं और उसके बारे में जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड नीचे आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे इंटरव्यू के टिप्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे अपना अपलोड अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिज्यूमे में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने रिज्यूमे सेलेक्ट करके डाल देना है और अपलोड कर देना है। और इसी प्रकार से आपको लैंग्वेज चेंज करना है, तो नीचे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ इसी प्रकार से आपको रिकमेंडेड जॉब्स पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपना लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसी प्रकार से आप अपने एरिया में जितनी भी जॉब हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड्स, ये ऐप जो है बहुत ही बढ़िया ऐप है, इससे आप बहुत सारी जॉब सर्च कर सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नो PG को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।